हेलो दोस्तों, क्या आप अपने लिए फॉर्म 15G फिल करना चाहते हैं? दोस्तों, आप अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं जिसमें कि आप सभी लोगों को फॉर्म 15G फिल करके मांगा गया है जिससे कि आपका टैक्स ना कटे, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही फॉर्म 15G फिल करके सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि फॉर्म 15G हम कैसे फिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे कि फॉर्म 15G हम घर बैठे कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। पेन लीजिए, पेपर लीजिए, फिल कीजिए। जैसा मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, वैसा कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जहां जहां जो जो चेंज करने बोलूंगा मैं वो कर दीजिएगा दोस्तों। डेफिनेटली आप गलत नहीं करेंगे और आपका टैक्स नहीं कटेगा दोस्तों। अगर आप फॉर्म 15G भरना चाहते हैं सही तरीके से, लेटेस्ट मेथड के साथ भरना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर करके देखा दोस्तों, तो बहुत सारे जो यहां पे पॉइंट है दोस्तों वो छूट जाएंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, और भी बहुत कुछ यहां पे है दोस्तों जो कि आप मिस कर देंगे तो आपसे गलत हो जाएगा, फिर आपका टैक्स कट जाएगा। इसलिए वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि फॉर्म 15G हम बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट में कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉर्म 15G आपको देखने को मिल रहा होगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक फॉर्म होता है जो कि हम लोग बैंक को देते हैं जिससे कि हमारा टीडीएस ना काटा जाए। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ? ये फॉर्म दोस्तों जो फॉर्म 15G देखने को मिल रहा है, ये टोटल 3 पेज का आता है। इसका पीडीएफ का डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है दोस्तों। जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे एक क्लिक में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। फोन में डाउनलोड हो जाने के बाद आपको चले जाना है जेरोक्स का दुकान, वहां पे जाके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है दोस्तों। प्रिंट आउट निकाल के लाने के बाद आपको ऐसा पेज मिल जाएगा, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा पेज आपको मिल जाएगा। और एक पेन ले लेना है आपको दोस्तों, और आप सभी लोगों को पेन और पेपर लेके बैठ जाना है। जो तरीका मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ बस सेम टू सेम आपको वही करना है। जहां पे जो चेंज करने के लिए कहूंगा वो कर दीजिएगा। और एक सबसे जो बड़ा बात है दोस्तों, ये जो फॉर्म आपको मैं अभी भर के दिखाने वाला हूँ ना, वो होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेके आपको 31 मार्च तक चलेगा दोस्तों, ठीक है ना। ये चलेगा 31 मार्च तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक यही चलेगा, यही तरीका सेम टू सेम चलेगा। इसके बीच में अगर आप कहीं भी फॉर्म फिल कर रहे हैं दोस्तों, फॉर्म 15G 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक अगर कभी फॉर्म भर रहे हैं तो सेम टू सेम यही डिटेल लगेगा। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, नेम ऑफ असेसी, यानी कि दोस्तों आपका नाम क्या है। तो जो भी पैन कार्ड में नाम है दोस्तों वो दे दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे किसी का नाम है यूट्यूबर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके आपको दे देना है नाम, ठीक है। जहां पे स्पेस कम रहेगा वहां छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, जहां स्पेस बड़ा रहेगा वहां नॉर्मल लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम दे देना है, किसी का नाम रहता है सुरेश, रमेश, जो भी है। जैसे मेरा है दोस्तों सुमित कुमार पांडे, तो ये आपको वहां पे लिखना होगा। जो भी आपका नाम है बेसिकली वो यहाँ पे देना होगा। उसके बाद पैन ऑफ असेसी, यानी कि जो फिल कर रहा है उसका पैन नंबर क्या है। तो जैसे 10 डिजिट का फॉर्म ये रहता है दोस्तों, जैसे कि ABC ऐसे करके आप सभी लोगों को यहाँ पे अपना पैन नंबर दे देना है 10 डिजिट का, ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी लोगों को पैन नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि आपका स्टेटस क्या है। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल लिख देना है आपको। यानी कि आप एक इंडिविजुअल है, आप कोई कंपनी फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर बोला जा रहा है। सबसे जो खतरनाक चीज है यही है दोस्तों, प्रीवियस ईयर, इसको समझ लिए तो सब कुछ हो गया दोस्तों। प्रीवियस ईयर होता है दोस्तों कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये फॉर्म 15G फिल कर रहे हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, इनकम टैक्स उसी को बोलता है प्रीवियस ईयर। ध्यान से सुनिएगा, जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना ये फॉर्म 15G, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1/4/2023 से 31/3/2024 ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसी में हम अपना फॉर्म 15G भर रहे हैं। तो ये जो देख सकते हैं 23 और 24, ठीक है ना, यही हो जाता है आपका प्रीवियस ईयर। तो यहाँ हम लोग क्या देंगे, प्रीवियस ईयर में 2023 से 2024, ठीक है ना। आसानी से मैं समझा दिया आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर यही होता है दोस्तों, जिस ईयर में हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। हो सकता है कोई अप्रैल में भरेगा, हो सकता है कोई मई में भरेगा, जून में भरेगा, जुलाई में भरेगा, दिसंबर में, मतलब इसके बीच में कहीं पे भी फॉर्म भर रहा है उसका प्रीवियस ईयर यही होगा 2023 और 24, ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट लिख देना है, क्या लिख देना है, रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ का रेसिडेंट है, इंडियन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो 6 नंबर से जो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों
12 नंबर तक का जो कॉलम है दोस्तों, बेसिकली इसमें आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे डोर नंबर किसी का हो सकता है 5 है, प्रीमिसेस मतलब होता है दोस्तों कि कोई अपार्टमेंट है अगर वगैरह कोई परिसर वगैरह, तो अगर है तो ठीक है, कोई अपार्टमेंट है आपका तो उसका ये पीसीडी अपार्टमेंट दे दीजिएगा, या फिर वहाँ पे ऐसे करके डॉट करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद रोड स्ट्रीट का यहाँ पे नाम दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कौन सा रोड है वो, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं जीटी रोड देना है या फिर जो देना है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद एरिया दे देना है, जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कोई अगर रहता है जाके पटना में, ठीक है, पटना यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट देना है, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए जो भी आपका, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट है तो पटना डिस्ट्रिक्ट दे देना है। स्टेट अगर बिहार है तो यहाँ पे आपको बिहार दे देना है दोस्तों, ठीक है ना, तो ऐसे करके लिखना है। पिन जो आपका है आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पे पिन दे देना है दोस्तों, ठीक है, जो भी आपका पिन है आधार कार्ड में वो दे दीजिएगा। ईमेल आईडी आप अपना यहाँ पे दे के रख सकते हैं दोस्तों, ईमेल आईडी अपना यहाँ पे आपको दे देना है। तो बेसिकली दोस्तों 6 से 12 नंबर का जो कॉलम होगा, ठीक है, 6 से 12 नंबर का कॉलम में दोस्तों आपको अपना एड्रेस ही फिल करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर का जो यहाँ पे कॉलम है दोस्तों, यहाँ पे आपसे भी लोगों को बोला जा रहा है टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे आप दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे 15 नंबर का जो कॉलम है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है वेदर असेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि आप कभी भी टैक्स फाइल किए हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर किए होंगे तो यस पे करेंगे, अगर नहीं किए होंगे तो नो पे करेंगे, तो बेसिकली नो पे ही कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ही करते हैं पहले, अगर पहले कभी ITR फाइल किया तो यहाँ पे देना होगा, साथ में यहाँ पे हमें लिखना होगा कि कब मैंने ITR फाइल किया। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नो पे टिक कर देना है, ध्यान से सुनिएगा, नो पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि कितने अमाउंट के लिए ये जो आप फॉर्म 15 जी दे रहे हैं वो कितने अमाउंट के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे दोस्तों जो टोटल PF का बैलेंस है आपका। मान लेते हैं दोस्तों आपका एम्प्लॉई शेयर है 50,000 और एम्प्लॉयर का शेयर है दोस्तों 15,000, तो 50 और 15 कितना हो गया 65। टोटल PF होता है दोस्तों एम्प्लॉई शेयर, ध्यान से सुन लीजिएगा, टोटल PF होता है दोस्तों एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर। पेंशन के पैसे पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, फॉर्म 15 जी भी नहीं देना पड़ता, उसको साइड कीजिए। इंप्लॉई शेयर और इंप्लॉयर का शेयर जो है दोस्तों दोनों को जोड़ के ही PF बनता है। तो मान लेते हैं दोस्तों आपका PF जो है 65,000, 50,000 इंप्लॉई शेयर और 15,000 आपका इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, तो टोटल 65,000 हो गया। तो जितना भी आपका पैसा है 65,203 है तो वो तो दे देना है, अगर वहां पे है 70,203 तो वो दे देना है। मान लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखाने के लिए दे देते हैं कि 65,000 के लिए हम ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो 65,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, यानी कि दोस्तों ये जो पैसा आपने यहाँ पे लिखा है, जो जितना PF आपका निकाल रहे हैं आप, ये 65,000 मिला के इस प्रीवियस ईयर में, यानी कि ये जो साल अभी चल रहा है उसमें आपका कितना एस्टिमेटेड इनकम बनने वाला है, ठीक है, या फिर बन सकता है, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कोई ऐसा बनता है जो कि अप्रैल में ही अपना जॉब छोड़ता है, ठीक है, अप्रैल में जॉब छोड़ दिया तो उसको तो नया साल में कोई भी इनकम नहीं हुआ, पैसा अभी वो निकाल रहा है, ठीक है, उसको लास्ट सैलरी मार्च के महीने में ही मिला, यानी कि पिछले साल ही मिला उसको, इस साल में कोई इनकम नहीं है, तो उसका टोटल इनकम कितना हो गया 0। तो 0 में 65,000 को ऐड कर देना है, यहाँ पे 65,000 लिख देना है दोस्तों, सिंपल है, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों किसी को अप्रैल से लेके मान लेते हैं 6 महीने का जॉब किया, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक वो उसने काम किया 6 महीने, तो सितंबर तक उसको सैलरी मिला 6 महीने का, मान लेते हैं दोस्तों 10,000 उसका सैलरी था, तो 6 महीना सैलरी मिला तो 60,000 उसका हो गया, और सितंबर के बाद उसने रिजाइन दे दिया। चाहे आप सितंबर में रिजाइन देने के बाद आप कभी भी अगर इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में दिसंबर में जनवरी में फरवरी में अगर PF निकालेंगे ना तो उतना ही होगा, क्योंकि उतना आपको 6 महीने का सैलरी मिला है। इसमें यही बेसिकली देना है कि जो आपका एक्स्ट्रा इनकम है, ये जो PF निकाल रहे हैं ना, इसको छोड़ के आपका एक्स्ट्रा इनकम जितना है उसको पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लेते हैं 6 महीने अगर आपने काम किया होगा दोस्तों तो आपको 60,000 मिला होगा, 60,000 में ये 65,000 जोड़ दीजिएगा तो 1,25,000 हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान देके यहाँ पे सुनना है दोस्तों कि आपको क्या करना होगा। यहाँ एक बार और मैं बता देता हूँ कि जो भी आप उस साल कमाए रहेंगे, चाहे आपने 1 महीना काम किया है तो 1 महीना का सैलरी दीजिएगा, अगर आपका 5 महीने का सैलरी आया तो 5 महीने का सैलरी में ये इंक्लूड कर दीजिएगा,
अगर आपका 10 महीने का सैलरी आया दोस्तों, तो 10 महीना का सैलरी और ये 65,000 उसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों उस साल में आपका सैलरी कितना आया, कितना आपने कमाया है वो ऐड करना है, उसके साथ में कितना पीएफ निकाल रहे हैं वो ऐड करना है। और यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो आपका ये किसी काम का नहीं रहेगा, उस पर टैक्स कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, इस बंदे का 60,000 सैलरी से पैसा आया था इस साल में, और 65,000 यहाँ पे निकाल रहे, तो 1,25,000 यहाँ पे मैंने डाल दिया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1,25,000 डाल देना है, हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 18 नंबर का कॉलम है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फील्ड, ठीक है, और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म 15G फील्ड, यानी कि इस साल में आपने कितना फॉर्म 15G फील किया है। अगर फॉर्म 15G नहीं फिल किया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को क्या करना है, ऐसे कर देना है डॉट, और यहाँ पे भी डॉट दे देना है, यानी कि मैंने ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है ना, इसके पहले हम कभी भी नहीं किए। अगर पहले किए रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं मैंने एक फॉर्म भरा था इतना अमाउंट के लिए भरा था, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको डॉट डॉट कर देना है, फिर नो नो लिख देना है, या फिर एनए लिख देना है, ऐसे एनए लिख देना है, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, तो ये लिख देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर का कॉलम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड, यानी कि जो आप ये पैसा निकाल रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है, हो सकता है पीएफ कोई निकाल रहा है, हो सकता है बैंक का जो एफडी होगा उससे आया होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, तो वही बोला जा रहा है कि कैसे आ रहा है। तो सीरियल नंबर 1 दे देना है दोस्तों आपको यहाँ पे, आपका यूएन नंबर यहाँ पे दे देना है दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर दे देना है, जैसे देख सकते हैं ये 12 डिजिट का यूएन नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पे आपको ईपीएफ विड्रॉल लिख देना है, ठीक है, ईपीएफ विड्रॉल लिख देना है। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेड, तो यहाँ 192 और ये लिख देना है दोस्तों, ठीक है ना, इसी सेक्शन के अंदर ये पैसा डिडक्टेड होता है दोस्तों। और अमाउंट ऑफ इनकम, कितना अमाउंट निकाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर के कॉलम में पहले मैंने बताया दोस्तों, यही सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देना है, 65,000, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपका आधा काम हो चुका है, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक साइन करना है, तो जो भी आपका साइन है दोस्तों यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, खत्म। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोगों को डिक्लेरेशन पेज आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है, वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को अपना नाम फिल करना होगा दोस्तों, जो भी आपका नाम है, जैसे यहाँ पे आपने जो नाम लिखा है, जो आपका पैन कार्ड में है, जो आपका आधार कार्ड में है, जो आपके पीएफ अकाउंट में है, सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। नाम लिखने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ आपको ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं कुछ फिल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखिए, फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यानी कि प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन कब खत्म हो रहा है, प्रीवियस ईयर यहाँ पे मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है, देख सकते हैं ये लास्ट होता है प्रीवियस ईयर का 31/3/2024, तो प्रीवियस ईयर कब खत्म हो रहा है, यहाँ पे लिखना है दोस्तों आपको 31/03 और यहाँ पे लिख देना है 24, ठीक है ना, यानी कि 31 मार्च 2024 को मेरा फाइनेंशियल ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके आगे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, यानी कि यहाँ पे आप सभी लोगों को असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है, तो असेसमेंट ईयर क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे आपने साल दिया है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, अभी क्या फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2023-2024 चल रहा है, तो इसका एक साल बाद कर देते हैं, जैसे अभी चल रहा है 2023 और 2024, ठीक है, ये होगी आपका फाइनेंशियल ईयर। लेकिन असेसमेंट ईयर क्या होता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, जैसे 23-24 है, तो 24-25 को हम लोग बोलेंगे दोस्तों असेसमेंट ईयर, कन्फर्म हो गया, समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, 24-25, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको बोला जा रहा है असेसमेंट ईयर, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, 2024-2025 यहाँ पे आपको दे देना है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को फिर से बोला जा रहा है कि प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, फिर आपको वही डेट देना है 31 मार्च और यहाँ पे आपको 2024 देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2024 दिया है, ध्यान से देखिए 31 मार्च 2024, सेम यहाँ जो दिया मैंने वही यहाँ पे भी दिया है। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, फिर से आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे मांगा जा रहा है, देख सकते हैं असेसमेंट ईयर बोला जा रहा है, तो जो असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपने दिया है दोस्तों वही 2024-2025 आपको यहाँ पे भी दे देना है, ठीक है। अगर ये इसमें गलती कर देंगे दोस्तों तो आपका टैक्स कट जाएगा, फिर हमको मत बोलिएगा कि मैंने यहाँ पे बताया लेकिन आपका टैक्स कट गया, सही सही भरना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या भरा, 31 मार्च 2024, फिर मैंने 2024-25 का असेसमेंट ईयर लगाया, फिर यहाँ पे एंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर का लगाया 31 मार्च 2024, उसके बाद फिर से असेसमेंट ईयर में 2024 और 2025 मैंने दिया। इतना करने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे प्लेस दे देना है, जो भी आपका प्लेस है वो दे देना है। उसके बाद डेट दे देना है दोस्तों, जो भी आपका डेट है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डेट दे दिया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो साइन आपने यहाँ पे किया सेम टू सेम यहाँ पे आपको साइन कर देना है दोस्तों,
इतना करने के बाद आपने सक्सेसफुली अपना फॉर्म भर लिया है दोस्तों। बहुत ही आसानी से मैंने आप सभी लोगों को बता दिया दोस्तों कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पार्ट वन आता है इसका, ठीक है, इसका पार्ट टू भी आता है दोस्तों। इसमें तीन पेज रहेगा, जब आप जेरोक्स लेके आएंगे ना तो इसमें टोटल तीन पेज आता है दोस्तों, लेकिन पार्ट वन ही हमें फिल करना है दोस्तों। हम लोगों को बस पार्ट वन ही फिल करना होता है, पार्ट टू जो आता है ना वो बैंक फिल करता है दोस्तों, तो आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको कहीं पे भी एक कलम भी नहीं चलाना होगा, एक लेटर भी नहीं लिखना होगा दोस्तों। जो तरीका मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया है फॉर्म 15G फिल करने का, बस यही तरीका 2023 में लागू होता है दोस्तों। और अगर इस तरीके से आप अपना फॉर्म 15G फिल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपका कभी गलत नहीं होगा और आपका कभी भी TDS नहीं कटेगा। अब बात आता है दोस्तों कि ये जो फॉर्म हमने फिल कर लिया है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने एक डिटेल से अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखा है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, सिंपली इसका आपको कैमरा लेके इसका फोटो लेना होगा दोस्तों, ठीक है। फिर जो पार्ट टू आता है दोस्तों, इसमें एक पार्ट टू आता है जिसमें कुछ ब्लैंक स्पेस दिए जाते हैं, स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ, ये पार्ट टू का भी आपको फोटो लेना होगा और दोनों को अटैच करके वहां पे आपको पैन कार्ड को वहां पे भी अटैच करना होगा और उसका एक PDF बनाना होगा, ठीक है। और PDF बनाने के बाद वहां जो फॉर्म 15G अपलोड करने का जगह दिया जाता है दोस्तों PF विड्रॉल करते समय, वहां पे हम लोगों को सबमिट करना होगा। तो एक वीडियो में सारा कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। तो इसका अलग से एक वीडियो बताऊंगा कि ये जो फॉर्म मैंने अभी फिल किया है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे। सिंपली इसका एक फोटो लेंगे, पार्ट टू का भी एक फोटो लेंगे, दोनों को PDF बनाएंगे, पैन कार्ड इसमें अटैच करेंगे और PDF के रूप में हम लोग वहां पे अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी अभी आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि फॉर्म 15G हम कैसे भर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या होता है, ये क्यों फिल कराया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो आप लोगों को दे रखा है कि आखिर ये फॉर्म 15G क्या होता है, फॉर्म 15H क्या होता है, हम लोग क्यों भरते हैं, इससे फायदा क्या होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब मैंने एक वीडियो में कवर किया है दोस्तों। अगर आपको ये डाउट है कि फॉर्म 15G H क्या होता है, क्यों भरा जाता है, इससे फायदा नुकसान क्या होता है, ठीक है, तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल देता हूँ, जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत और नॉलेज मिल जाएगा कि आखिर फॉर्म 15G होता क्या, ताकि कोई लोग पूछे तो आप उसके बारे में बता पाए दोस्तों, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है दोस्तों फॉर्म 15G के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम आईडी या फिर फेसबुक आईडी या फिर ट्विटर आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूजर आईडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यूट्यूबर पांडे जी, आप कहीं पे भी सर्च करेंगे ना तो मेरा आईडी दिख जाएगा और वहाँ पे आपको आना है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट करना है, अपना सवाल पूछना है। उसके बाद मैं अगर जरूरत होगा तो मैं अपना नंबर भी आप सभी लोगों को दूंगा दोस्तों, और आप सभी लोगों को सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। और अगर आपको दोस्तों ये फॉर्म 15G या फिर PF विड्रॉल कुछ भी अगर आपको कराना अपना काम, तो मेरा पेड कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है अगर आप पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो, या फिर छोटा मोटा सपोर्ट चाहिए दोस्तों तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी पे आप मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों, और पेड कंसल्टेंसी के लिए इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है दोस्तों। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, इसलिए आप सभी लोगों से एक सपोर्ट चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।